ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, सच्ची बता रही हूँ बहुत ही सुंदर बनेगा। हाय दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है रोशन भारती ब्लॉग्स में। तो आज एक और नई रेसिपी लेके आई है जो नेपाल की सब्जी है, और ये सब्जी आप कहीं भी किसी भी चैनल पे ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, ये नया है और नेपाल की फेमस सब्जी है जो चने दाल से बनता है, इसे हम कौंच की सब्जी बोलते हैं। तो इसके आगे सिंपी बताएगी, तो चलिए उसी से सुनते हैं। हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज मैं नेपाल की फेमस कौंच की सब्जी बनाने वाली हूँ, जैसा कि इन्होंने बोला। तो आज मैं कुछ यूनिक तरीके से बताती हूँ कि कैसे बनते हैं चने दाल के कौंच की सब्जी। आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये मैंने चने दाल रात में भिगोने के लिए रख दिया था, और इसको सुबह में मैंने 3-4 पानी से अभी मैं धो ली हूँ। ये देखिए चने दाल, अब मैं इसको जार में रख के इसको ग्राइंड कर दूँगी। मेरा ग्राइंड होके तैयार हो गया, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल दूंगी। अब इसमें मैं देखिए 1 चम्मच नमक डालूंगी और हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला दूंगी। इसके पैन रख दूंगी और हमने कटोरा में तेल रख ली, सरसों तेल रख लिया है। क्या है, आप चाहें तो कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। मैंने धीरे धीरे इसमें आराम से सरसों तेल रख रही हूँ। देखिए मैंने इसको बड़े बड़े ऐसे हाथ पे कर लिया है। अब इसको मैं, आप लोग चाहते हैं तो छोटे छोटे भी कर सकते हैं, जैसा मन हो वैसा कर सकते हैं। और आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। मैं 2 मिनट तक यहाँ इसमें रख लिया, आप 2 मिनट के बाद इसको पलट देंगे। इसको देखिए, देखिए हमारा पलट के कैसा हो गया। ये इसको आराम आराम से पलटना रहता है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और आप लोग जितना लाइक एंड कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के सामने और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके तैयार हो गया। ये मैंने पूरा तल लिया है तवा पे। अब मैंने ग्रेवी के लिए मसाला तैयार किया है। ये देखिए 2 बड़े साइज के प्याज मैंने बारीक काट लिए हैं, 1 बड़े टमाटर काट लिए हैं, लहसुन और अदरक का पेस्ट, फिर 2 तेज़पत्ता, 4 हरी मिर्च और जीरा। अब देखिए मैंने गैस ऑफ नहीं किया था, इस पर मैंने कढ़ाई रख दिया था क्योंकि मुझे इस पर ग्रेवी तैयार करना है। मेरा कढ़ाई गर्म हो गया है और ये जो हमारे बचे हुए तेल है वो मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए ये मैंने तेल को 2 मिनट कढ़ाई में रख दिया है और यह अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा पत्रक और हरी मिर्च डाल दिया। अब प्याज डाल दूंगी और टमाटर भी डाल दूंगी। देखिए हम इसको मैं अच्छे से 5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक ये अच्छे से ब्राउन नहीं हो जाता। और मैं इसको ढक दूंगी। मसाला डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, क्योंकि हम लोग तीखा खाते हैं तो मिर्ची थोड़ा ज़्यादा देती हैं, और 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च, इससे सब्जी का कलर और भी बेटर हो जाता है।
तो देख रहे हैं मेरा मसाला भून के तैयार हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। अब ये 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक दूंगी, इसमें अच्छे से उबाल आने लगेगा। 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। ठीक है, ये मेरा ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसमें ये जो तला था वो डाल देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना डिलीशियस कलर आया है इसका। अब मैं इसमें आधी चम्मच गरम मसाला छिड़ दूंगी और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। मैंने देखा हाँ, कौच की सब्जी चने दाल की बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीशियस बना है, तो ये एक बार और ट्राई कीजिएगा। और पौष्टिक भी है, चने दाल की सब्ज़ी है। अगर घर पे कोई सब्ज़ी ना हो तो ये आप बना सकते हैं। सिर्फ ये एक दिन पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा कि इसे पानी में फूलने के लिए ज़रूर रखें। और ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय, नमस्कार।